महात्मा विदुर ने पुरुषों के ऐसे चार लक्षणों के बारे में बताया है। अगर किसी पुरुष में ऐसे चार लक्षण हो तो उससे मिलने के लिए देवता भी तरसते हैं। सूर्य, चंद्र आदि ग्रह सभी उसी के दर्शन के लिए तत्पर रहते हैं और उस पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। ऐसे पुरुषों को नरोत्तम अर्थात उत्तम से भी उत्तम कहा गया है। इनकी तुलना साधारण मनुष्य के साथ नहीं की जा सकती। इन्हें ज्ञानी जन भी आदर की नजर से देखते हैं। वेदों में इन्हें पुरुष तथा शास्त्रों में इन्हें महान बताया गया है। ऐसे लक्षण अलौकिक देवीय कृपा से ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, महात्मा विदुर जो महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक थे, वे हस्तिनापुर के महामंत्री कौरव पांडव के काका तथा धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे स्वयं यमराज के अवतार थे। एक मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण ही स्वयं यमराज को विदुर जी के रूप में जन्म लेना पड़ा था। इसलिए वे जानते थे कि कौन सा मनुष्य उत्तम होता है तथा कौन सा मनुष्य नीच। किस प्रकार के कार्य करने पर व्यक्ति जीवन में मान सम्मान एवं कीर्ति पाता है और कौन से कार्य करने पर व्यक्ति जीवन भर दुख और अपमान का सामना करता है। विदुर जी के अनुसार ऐसे पुरुष के स्वागत के लिए देवता भी पलके बिछाए रहते हैं। सभी दिशाएं, सभी ग्रह, आकाश, तारे इन्हीं के दर्शन के लिए तत्पर रहते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह पुरुष जो इतने गुणवान हैं। पहला लक्षण है वश में करना असंभव। विदुर जी के अनुसार ऐसा पुरुष जिसे वश में करना असंभव होता है, अर्थात ऐसा पुरुष जिसे कोई भी सुंदर स्त्री अपने मोह जाल में फंसा नहीं सकती, ऐसा पुरुष जो दूसरों की गई बड़ाई से जल्दी प्रसन्न नहीं होता अथवा तुरंत उत्साहित नहीं होता, जिसकी कितनी बार भी बुराई की जाए वो निराश नहीं होता, चाहे कोई कितने भी तारीफ करके इन्हें कोई अनिष्ट कार्य करने के लिए उकसाए तो भी ये लोग अपने वश में ही रहते हैं और दूसरों के झांसे में नहीं आते, तो ऐसे पुरुष नरोत्तम होते हैं। इनका कोई भी कभी फायदा नहीं उठा सकता। दूसरा लक्षण है कोई दुश्मन न होना। संसार में ऐसा व्यक्ति शायद ही होगा जिसका कोई शत्रु न हो, लेकिन विदुर जी के अनुसार जिस व्यक्ति का ना कोई दुश्मन होता है और ना कोई विरोधी, इनके लिए सभी अपने होते हैं। ये सभी को समान दृष्टि से देखने वाले होते हैं। ये ना ही किसी से द्वेष करते हैं और ना ही किसी से दुश्मनी। ये लोग किसी पर ना चोट करते हैं और ना ही करवाते हैं, ना किसी को जीतते हैं और ना ही उसे कोई जीत पाता है। ऐसे ही पुरुष पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तीसरी बात, बुराई ना करना। मनुष्य का स्वाभाविक दुर्गुण है कि वो बातों बातों में दूसरों की बुराई कर ही देता है। विदुर जी के अनुसार जो व्यक्ति अपने मुख से किसी की बुराई नहीं करता, चाहे वो सम्मुख हो या उसकी पीठ पीछे, कभी किसी के बारे में एक शब्द भी बुरा नहीं कहता और ना कभी किसी से कहलवाता है, ऐसा पुरुष सर्वोत्तम होता है। इनके दर्शन के लिए तो देवता भी तरसते हैं। चौथी बात, क्षमा। क्रोध आने पर कोई भी मनुष्य दंड देने के बारे में ही सोचता है, बल्कि देवता भी क्रोध में आकर कभी कभी भूल बैठते हैं। परंतु विदुर जी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति दूसरों द्वारा कितनी भी बड़ी भूल हो जाने के पश्चात भी उसे क्षमा कर देता है तो वो महान होता है। ऐसे पुरुष का तो देवता भी सम्मान करते हैं। इनकी चर्चा तीनों लोकों में की जाती है। पांचवा और अंतिम गुण, सुख दुख के भाव से परे। आम सी बात है कि मनुष्य निरंतर सुख और दुख के चक्कर में घूमता रहता है। सुख के समय में वह उत्साह से भर जाता है और दुख की घड़ी में निराश होकर बैठा रहता है। लेकिन जो मनुष्य सुख एवं दुख के भाव से परे है, जिसे ना तो किसी के चीज के खोने का डर है और ना ही किसी चीज को पाने की अभिलाषा, वही पुरुष सर्वोत्तम कहलाता है। तो दोस्तों, ये थे पांच लक्षण। अगर किसी व्यक्ति में ये पांच लक्षण हो तो देवता भी उसे नमन करते हैं। आज का सवाल आपके लिए है।
क्या आप बता सकते हैं कि चाणक्य नीति और विदुर नीति में क्या अंतर है? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। धन्यवाद।